जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर वसूली के जिले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यह मासिक बैठक की गई है जो कि सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ की गई है, जिसमें विभाग के द्वारा कर वसूली के प्रगति की समीक्षा की गई है, क्योंकि यह माह वित्तीय वर्ष के समाप्ति के माह है और शासन के द्वारा हर विभाग को लक्ष्य दिया गया है, जिसमें स्टैम्प विभाग, व्यापार कर, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग के कर वसूली के प्रगति की समीक्षा की गई है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक ज्यादा से ज्यादा कर वसूली के कार्य को पूरा करें, जिससे शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एआरटीओ श्यामलाल, मंडी सचिव राजित राम वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, वाणिज्य कर का सर इनका और इस महीने तक 90% के आसपास पर पहुंचेंगे, 100% नहीं पहुँच पा रहे। वाणिज्य कर 100% पहुँचने के लिए प्रयास क्या हो रहा है? टॉप 50 का आपके पास लिस्ट है क्या? है टॉप 50 का जो पिछले साल से कम है या ज्यादा है? टॉप 50 एसएससी आपके टारगेट के कितना अमाउंट हो जाता है? ये सब आपको लगता है नहीं होना चाहिए, सब तो क्लियर होना चाहिए कि टॉप 50 को तो विभाग अध्यक्ष देखेगा, यही तो काम है आप लोगों का डेली ऊपर सुबह शाम बैठे, यही दिन रात यही आना चाहिए सपने में ना। टॉप 50 कितना प्रतिशत हो जाता है? 70% टॉप 50 है, इसका बताइए क्या है हिसाब है? टॉप 50 के असेसमेंट में क्या स्टेटस है आज की तारीख? वो तो जेल का सप्लाई थोड़ा सा बिजनेस रिलेशनशिप है नहीं आप लोगों का, 1150 इतने बड़े जिले में नहीं कर पा रहे आप लोग, मतलब 1150 क्या होता है 51 लाख की आबादी के लिए? ये थी आपका नाम बताइए, आपका परिणाम क्या है? सर मैं आशीष में सर इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब है इसलिए क्योंकि घर में जो है इसलिए नहीं आ पाए। वहाँ पे हाँ रोशन मैडम का मैडम है रश्मि सेवक मिली, वहाँ पे आपका कमिश्नर कौन है? मिनिस्ट्रीएस है, मिनिस्ट्रीएस मैडम है। हाँ, ये हमारी मासिक बैठक होती है जहाँ पे सभी हमारे राजस्व संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाती है, उनके द्वारा किए गए प्रवर्तन, वसूली के संबंध में किए गए गतिविधियों की समीक्षा ली जाती है और ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति है। हमारा लक्ष्य है कि जो शासन द्वारा टारगेट हर एक विभाग को निर्धारित किया गया है, जैसे स्टैम्प विभाग है, जैसे व्यापार कर है, जैसे हमारा आबकारी विभाग है, विद्युत विभाग है, सभी के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक हम लोग और अधिक प्रयास करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली सुनिश्चित कराएं और शासन के लक्ष्यों टारगेट्स को पूरा कराएं।